आर्यन को गाड़ियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो अपनी मम्मी के साथ कहीं बाहर घूमने जाता था और उसे खिलौने की कोई दुकान दिख जाए तो फिर बस। मम्मी मम्मी मुझे वो कार चाहिए, येलो वाली। नहीं बेटा, तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी है, अब एक भी गाड़ी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रोते रोते आर्यन कभी जमीन पर लेट जाता तो कभी मम्मी की ढेर सारी डांट खाता, लेकिन अपना खिलौना वो लेकर ही रहता था। उसके बाद घर आकर वो खिलौनों से जी भर कर खेलता था, लेकिन उसके बाद वो सारे खिलौने इधर उधर बिखेर कर अपने कमरे में चला जाता था। एक दिन मम्मी बाहर से घर आती हैं, उनके साथ उनकी सहेली भी आती है। आर्यन देखो तो कौन आया है। लेकिन उसकी सहेली ने जब घर का ऐसा हाल देखा तो वो बोल पड़ी, ये क्या हॉल, किचन, सब जगह खिलौने ही खिलौने। तुमने उसे खिलौने वापस अपनी जगह पर रखना सिखाया नहीं क्या? मैं जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। सहेली तो चली गई, लेकिन मम्मी बहुत गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर आर्यन को बुलाया। आर्यन, तुमसे कितनी बार कहा है अपने खिलौने जगह पर रखो, आज के बाद तुम्हें एक भी नया खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन आर्यन के ऊपर मम्मी की डांट का कोई असर नहीं होता है। कुछ देर बाद मम्मी ने आर्यन के खिलौनों में से कुछ खिलौने छुपा दिए। दूसरे दिन जब आर्यन अपने खिलौनों से खेलना शुरू करता है तो देखता है कि उसकी फेवरेट कार तो वहाँ है ही नहीं। मम्मी मम्मी, मेरी रेड वाली कार देखी और येलो जीप भी नहीं दिखाई दे रही, और वो बड़ी टैक्सी, मम्मी बोलो ना। पर मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आर्यन अपने दूसरे खिलौनों के साथ खेलने लगा और कुछ देर बाद वो उन्हें भी ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब मम्मी ये देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा, कुछ तो करना होगा। अब मम्मी ने बचे हुए खिलौनों में से आधे खिलौने फिर से छुपा दिए। कुछ दिन के बाद, मम्मी मेरे बहुत से खिलौने नहीं मिल रहे, सच बताओ ना कहाँ है, वरना मुझे नया ला दो। बेटा मैंने पहले ही कहा था, अब तुम्हें एक भी नया खिलौना नहीं मिलेगा। जो खिलौने हैं उन्हें भी तुम ठीक से नहीं संभालते। तो मेरे पुराने खिलौने तो दे दीजिए। तुम्हें कहाँ वो खिलौने चाहिए, इसीलिए तो जो खिलौने तुम इधर उधर फेंक कर चले गए थे उसे मैंने गरीबों में बांट दिए। क्या मेरे खिलौने गरीबों में बांट दिए? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, आप अच्छी मम्मा नहीं हो, मुझे मेरे खिलौने चाहिए। तुम्हें तुम्हारे खिलौने चाहिए ना? मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जिन्हें मैंने खिलौने दिए हैं। चलो। उनके घर के पीछे कुछ गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे। मम्मी आर्यन को वहाँ ले गईं, पर वहाँ से आ रही बदबू के कारण आर्यन ने अपनी नाक बंद कर ली। मम्मी वहाँ कचरों के ढेर तो देखिए, छी, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। बेटा बेटा पैर संभाल कर, वो गटर का पानी है। ओह कैसी गंदी जगह ले आई है मुझे। ये मेरी रिक्शा तेरी गाड़ी से टकरा गई। अरे जा जा, मेरे टेम्पो में तेरा सामान है, चल नुकसान भर। तुम लोगों ने सिग्नल नहीं देखा, चलो मैं पावती काटता हूँ। मम्मी ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, और इनके हाथ में तो पत्थर है। हाँ बेटा, ये इन पत्थर को गाड़ी समझकर खेल रहे हैं। इन्हीं पत्थरों को कभी गुड्डे गुड़िया बनाकर घर घर भी खेलते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास एक भी खिलौने के लिए पैसे नहीं है। और देखो इतनी गंदगी में रहते हैं, फटे कपड़े, खाने को किसी का दिया बासी खाना। पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। हाँ मम्मा, सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं। और तभी बच्चों का खेल खत्म हुआ।
उन्होंने अपने सारे पत्थर एक छोटे कपड़े में बांध लिए और उस कपड़े को अपनी फटी पैंट पे बांध लिया। अब सभी बच्चे हंसते खिलखिलाते वहाँ से निकल पड़े। देखा आर्यन, ये रास्ते के मुफ्त में मिले पत्थर जब उनके खिलौने बन गए ना, तो उन्हें कितने प्यार से संभाल कर वो वापस ले गए। और तुम बेटा? माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा लाडला बेटा, तुम्हारे खिलौने मैंने किसी को नहीं दिए, वहीं घर पर रखे। चलो घर जाकर देती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुशी ज्यादा खिलौनों से नहीं मिलती, बल्कि हमें जो मिला है उसके सही इस्तेमाल और उसे संभाल कर रखने से मिलती है।